don't know, I think जो तीनों लड़के हमारे जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं आनंद आशीष और सनी हर साल कुछ क्रिएटिव लेकर आते हैं आई थिंक जो सबसे क्रिएटिव बात है कि ये सारी हीरोइंस को लेकर शूट करते हैं एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज इस बार का कैलेंडर जॉर्डन में है जॉर्डन बहुत ही खूबसूरत जगह है और उससे अलग खूबसूरत हैं जो लोग इस कैलेंडर में फीचर होंगे तो दिस कमिंग ईयर आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द टेली कैलेंडर आप भी नजर आएंगे कैलेंडर में बात करें उम्मीद तो यही है बट अनफॉर्चुनेटली झलक शूट कर रहा हूँ तो निकल नहीं पाऊंगा बट अनफॉर्चुनेटली अगर एलिमिनेट हो जाता हूँ तो डेफिनेटली कैलेंडर में दिखूंगा आपके फैंस भी चाहेंगे आपकी झलक पाने के लिए झलक से अगर मौका मिलेगा तो जी मैं तो फैन से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि कृपया करके वोट करिए ताकि मैं झलक में रहूं और मेरी झलक हर वीकेंड देखिए आप बात करें आर्टिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है कैलेंडर या फिर फोटोशूट होना कैलेंडर में आना क्या कहना चाहेंगे आई थिंक बहुत बड़ा प्रिविलेज है टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए कि सबसे पहली बात तो एक टेली कैलेंडर है क्योंकि यू नो मैरिनेटिंग फिल्म्स ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया दे हैव गॉट अ वेरी वेरी कूल कैलेंडर एंड इट्स अमेजिंग द पिक्चर्स आर वेरी गुड एंड आई थिंक एक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा प्रिविलेज है टू बी फीचर्ड बिकॉज सिर्फ 12 महीने होते हैं तो सिर्फ 12 लकी आर्टिस्ट होते हैं जो इस कैलेंडर में फीचर होते हैं सो आई थिंक अमंग्स द इंटायर रोस्टर These 12 artists are very, very privileged and very lucky, and they look amazing on the calendar. इससे पहले किसी participant किया आपने calendar की बात करें? I don't think so. यार मुझे याद नहीं है. नहीं मैंने I think अब तक कोई calendar नहीं किया. आने अगर TVT तो मतलब shoot में काफी मतलब busy होते हैं. यहाँ पर जाकर एक picnic मनाने का मौका मिलता है जो कितने हाँ आई थिंक यू नो टेलीविजन ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप हर दिन काम कर रहे हैं सैटरडे संडे नहीं है 15-15 घंटे काम करते हैं तो उसमें अगर ये दो दिन निकल जाते हैं कि आप किसी खूबसूरत देश में जाते हैं वहाँ की खूबसूरत लोकेशंस पर जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स देते हैं एंड यू गेट टू शूट इन ऑल दिस ब्यूटीफुल प्लेसेस आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एक वीकेंड गेट अवे हो जाता है एंड आई थिंक एवरी टेलीविजन एक्टर काइंड ऑफ लुक्स फॉरवर्ड टू इट तो क्या टिप्स देना चाहिए अगर बात करें स्टाइल के बारे में बारिश आ रही है किस तरह के कपड़े हैं आई थिंक बरसात है मुंबई में बहुत ही खूबसूरत बरसात हो रही है पिछले 5-6 दिनों से मुझे बड़ा अच्छा लगता है मुझे जो ग्लूमी वेदर है बहुत ही खूबसूरत लगता है बहुत रोमांटिक लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आई थिंक जो कपड़े होंगे बरसात के लिए वो होंगे एक तो निक्कर पहन लीजिए क्योंकि पैंट बड़ी गीली हो जाती है सूखती नहीं है चप्पलें पहनिए जूते भी सूखते नहीं जल्दी जितना हो सके यू नो वेयर लाइटर फैब्रिक्स बिकॉज दे कीप यू काइंड ऑफ यू नो जो गीलेपन से बेटर लगता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट अ नाइस अम्ब्रेला यार गेट अ कूल अम्ब्रेला देयर आर सो मेनी फंकी कलर्स सो गेट अ रियली नाइस अम्ब्रेला सो यू